Audio Jungle. पीएम आवास से हो रही है धांधली, जनता से हो रही है वसूली, प्रधान और अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है खेल, अपने हक के लिए पैसा देने को मजबूर है जनता। रायबरेली के हर एक गांव की पड़ताल करेंगे हम। वो पैसे के भूखे हैं, उनके पीछे चमचा लोग लगे हैं, पैसे भूखे इसलिए नहीं आते। आपको सच से रूबरू कराएंगे हम, क्योंकि हम हैं सारा समय, सारा समय जनता के हित के साथ। रायबरेली में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि देखते बनता है। यहां सरकारी योजनाओं में खुलेआम लूट हो रही है। और अधिकारी तमाशबीन बने बैठे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा है सलोन विकास खंड की गढ़ी इस्लाम नगर ग्राम पंचायत का, जहां पीएम आवास योजना में ग्राम प्रधान ने खुलेआम लाभार्थियों से रुपयों की अवैध धन उगाही की है। ये हम नहीं, लाभार्थी स्वयं खुलकर बता रहे हैं। देखिए किस प्रकार से लाभार्थी बेबाकी से वसूली की दास्ता सुना रहे हैं। कितना पैसा मिला कानूनी अभी तक? हमको मिला है 1,10,000। 1,10,000 मजदूरी मिली कि नहीं मिली? नहीं। प्रधान जी को कितना दिए थे? 10,000 भैया। 10,000 दिए थे? हाँ। ये बताइए कॉलोनी बनाने में पैसा कम तो नहीं पड़ा? कम नहीं, 20,000 और पड़ा। 20,000 और लगाए घर से? उधार लेके लगाए या मजदूरी करके? नहीं मजदूरी करके नहीं, उधार ले कर्जा। अच्छा, क्या नाम है? अनीता देवी। कॉलोनी किसके नाम है? नेवला। कौन है आपके? सरोज। आपके कौन है? पति। पति हो आपके? हाँ, पति हैं। हाँ। कॉलोनी का कितना पैसा आया अभी तक? 1,20,000। 1,20,000 मजदूरी आई नहीं आई? मंजू आई है, कम आई है। कौन सा गांव है ये? मठिया सलाम नगर। हाँ। प्रधान जी के पास कितना जमा हुआ था? प्रधान जी के पास कितना जमा हुआ? 10,000। ये बताइए कॉलोनी बनाने पैसा कम तो नहीं पड़ा? पड़ा है। उधार लिए हैं? हाँ। ये मजदूरी किए हैं, उधार लिए हैं? मजदूरी करके बनाए हो या उधार लेके बनाए हो? भाई लोग कमाते हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? कॉलोनी किसके नाम है? कॉलोनी तो बुदेक सर हमारे नाम है, हमारे सब दोनों ज्वाइन में है, उनका भी नाम है, पति का नाम है। पति के नाम है। हाँ। कितना पैसा आया कॉलोनी का? 1,20,000। 1,20,000 मजदूरी का पैसा आया कि नहीं आया? मजदूरी पैसा पूरा नहीं आया। पूरा नहीं आया। कौन सा गांव है ये? गढ़ी इस्लाम नगर। प्रधान जी के पास कितना जमा हुआ था? 15,000। ये बताइए कॉलोनी बनाने पैसा कम तो नहीं पड़ा? अरे सर अपने पास से भी लगाए जी। अच्छा, कॉलोनी आपके भी नाम है और पति के नाम है? दो कॉलोनी है। दो नहीं जी, मतलब उनका खाता नहीं था, हमारा खाता था। अच्छा। हाँ, उनके नाम खाता नहीं, नाम रहा नहीं। तो मतलब ये दोनों जने जो हो जाए तो आ गई पैसा। नहीं तो दो कॉलोनी मिली होंगी? नहीं, नहीं, एक ही मिली। कॉलोनी एक ही मिली? एक ही मिली है। एक ही मतलब 1,20,000 ही है। हाँ बस। क्या नाम है आपका? रानू। कॉलोनी किसके नाम है? राजकुमार। कौन है आपके? पति। कॉलोनी का कितना पैसा आया अभी तक? 1,20,000। 1,20,000 मजदूरी मिली आपको? अभी नहीं। प्रधान जी के पास कितना जमा हुआ था? 10,000। ये बताएं कि कॉलोनी बनाने में पैसा कम तो नहीं पड़ा? कहाँ बोली? 1,10,000 मिला। हाँ। मजदूरी मिली? नहीं मजदूरी अभी नहीं मिली। अभी नहीं मिली। प्रधान जी के पास कितना जमा हुआ था?
कितना जमा हुआ था प्रधान जी? तो देखा आपने किस कदर गरीबों को उनका हक देने के नाम पर वसूली की गई है। उधर ग्राम प्रधान वसूली की बात से मुकर रहे हैं। सारा समय लाइव टीवी के लिए सलोन की गढ़ी इस्लाम नगर ग्राम पंचायत से विपुल शुक्ल की रिपोर्ट।